वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस. हम कर रहे हैं एसएससी टियर 1 पेपर, पेपर अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न, पेपर कोड 1047. जीके का सेक्शन कर रही हूँ मैं आपके साथ और यह है हिंदी मीडियम में. पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह डैश में है. हम्पी में स्थित जो स्मारक हैं वो कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, वो है कर्नाटक में. क्वेश्चन नंबर 26, आंसर विल बी ए, कर्नाटका. निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं जीता है, तारे जमीन पर ने. आंसर होगा 27 के लिए बी. आगे पूछा गया है, बाम्बूसा डेंड्रोकामस डैश का वैज्ञानिक नाम है. यह वैज्ञानिक नाम है बैम्बू का. आंसर होगा सी. यहाँ पूछा गया है, एसी नोनिक्स ज्यूबेटस ये किसका वैज्ञानिक नाम है. क्वेश्चन नंबर 29, ये चीता का वैज्ञानिक नाम है, चीता का साइंटिफिक नेम है. एटमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ जिंक. क्वेश्चन नंबर 30, अब जिंक का जो एटमिक नंबर है वो कितना होता है, वो होता है 30. यहाँ आपसे पूछा गया है कि किसका एटमिक नंबर जिंक से ज़्यादा है. ब्रोमीन का एटमिक नंबर जिंक से ज़्यादा है, वो 35 है. कॉपर का एटमिक नंबर 29 है, आयरन का एटमिक नंबर 26 है और क्रोमियम का एटमिक नंबर जो है 24 है. तो आंसर यहाँ पर होगा ब्रोमाइन, 30th. आंसर विल बी डी. Commonly used abbreviation SEO in computer science stands for. Computer science में ये term use होती है SEO. इसका full form आपको बताना है. इसका full form है Search Engine Optimization. Answer B है, 31 will be B. Search Engine Optimization SEO जो है ये process of affecting the online visibility of a website या web page in a web search engine's unpaid result है. आंसर है 31 के लिए B. चांगलो is a folk dance of. चांगलो कहाँ का लोक नृत्य है. चांगलो नागालैंड का लोक नृत्य है. आंसर 32 का होगा D. 33, यहाँ क्वेश्चन देखिए, इफ वन मोर कॉबलर इज हायर्ड आउटपुट ऑफ अ शू मेकिंग यूनिट विल इंक्रीज फ्रॉम 50 पेयर ऑफ शूज टू 55 पेयर्स पर डे बट देन द शू मेकिंग यूनिट विल हैव टू रिड्यूस द पेयर ऑफ अ प्राइस ऑफ शू फ्रॉम 3200 टू रुपीज 3000 पर पेयर टू सेल द एडिशनल आउटपुट. मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट कॉबलर इज. यदि एक और मोची को काम पर रखा जाता है तो जूता बनाने की इकाई का उत्पादन 50 जोड़े से 55 जोड़े प्रतिदिन तक बढ़ जाएगा लेकिन फिर जूता बनाने की इकाई को एक जोड़े जूते की कीमत 3200 से 3000 रुपये प्रति जोड़े तक घटानी होगी ताकि अतिरिक्त उत्पादन को बेच सकें. अंतिम मोची का सीमांत राजस्व उत्पादन कितना होगा. देखो ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से. क्वेश्चन 33 में इनिशियल रेवेन्यू ऑफ कॉबलर कितना है. इनिशियल जो है वो 50 × 3200 है, ठीक है, क्योंकि पहले हम 50 पेयर्स बना रहे हैं और उनको 3200 में बेच रहे हैं एक पेयर को. तो कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा 50 × 3200, 1,60,000. उसके बाद अगर आप इसको देखते हैं तो आप 55 जोड़ी बेच रहे हैं, ठीक है. 55 जोड़ी कितने में बेचेंगे आप, इनको आप बेचेंगे 3000 में. तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1,65,000. 1,65,000 में से 1,60,000 घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा 5,000. आंसर होगा 33 के लिए बी. 34, लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट पीपल. मांग का नियम किस अवधारणा पर आधारित है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये 34. ये आधारित है इस पॉइंट पर कि माल की कीमत घटने के साथ माल की खरीदी अधिक होगी. तो आंसर 34 के लिए होगा बी, 34 बी. The ozone layer is mainly found in the lower portion of the ozone layer. जो है ozone की जो परत है ये मुख्यतः डैश के निचले हिस्से में पाई जाती है. ये stratosphere के निचले हिस्से में पाई जाएगी. Question number 35, आंसर जो है ये A है. अगला प्रश्न, रणथंबोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है. क्वेश्चन नंबर 36, रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में है. 36 के लिए आंसर जो है ये ए है. ओके, रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जानी जाती है टाइगर्स के लिए, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया है अगर आप टाइगर्स देखना चाहते हैं. 36 आंसर ए.
हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 29 तो आपके स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. 37 आंसर विल बी बी. 38, अ हार्ड कोल कंटेनिंग लिटिल वोलाटाइल मैटर इज कॉल्ड. सख्त कोयला जो थोड़ा वाष्पशील पदार्थ युक्त है उसे डैश कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एंथ्रासाइट. 38 के लिए आंसर जो है वो बी है, 38 बी. नेक्स्ट, पोर्ट ऑफ स्पेन इज द कैपिटल सिटी ऑफ. जो पोर्ट ऑफ स्पेन है वो कहाँ की राजधानी है? क्वेश्चन 39, राजधानी है ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की. क्वेश्चन नंबर 39, आंसर विल बी डी. 40, चाणक्य वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ. क्वेश्चन नंबर 40, चाणक्य जो हैं वो किसके चीफ एडवाइजर थे? चाणक्य जो हैं वो प्रमुख एडवाइजर थे चंद्रगुप्त मौर्य के. क्वेश्चन नंबर 40 आंसर बी है. कौटिल्य या चाणक्य जिनको हम कहते हैं, ये इंडियन स्टेट्समैन और फिलोसोफर थे. ओके, चीफ एडवाइजर थे, प्राइम मिनिस्टर थे टू चंद्रगुप्त मौर्य, फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर. क्वेश्चन नंबर 40 आंसर विल बी बी. 41, बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड. सन 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी ये लड़ाई? ये लड़ाई लड़ी गई थी महाराणा प्रताप के बीच. ओके, आंसर ये है. ओके, इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी. 41 बी. 42, हु इन्वेंटेड जावा स्क्रिप्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 42 आंसर होगा ब्रेंडन एच. आंसर ए है, 42 ए. 43, डैश ऑफ अ मटीरियल इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द वर्क नेसेसरी टू रिमूव अ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मटीरियल. क्वेश्चन नंबर 43 आंसर होगा डी, वर्क फंक्शन. 43 के लिए आंसर डी. 44, ह्यूमन बींग्स हियरिंग रेंजेस, मानव जाति की सुनने की सीमा डैश है. क्वेश्चन नंबर 44, ये 20 से 20,000 हर्ट्स के बीच है. आंसर होगा डी. 44 आंसर डी. अगला प्रश्न, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लोकसभा सीट्स इन इंडिया. वो कौन सा राज्य है भारत की लोकसभा में, कौन से राज्य की सबसे कम सीटें हैं? क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश. आंसर होगा सी. क्वेश्चन नंबर 45 आंसर होगा सी. द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा ऑफ आंध्र प्रदेश इज. आंध्र प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? सीट्स हैं 25. क्वेश्चन नंबर 46 आंसर डी है, 25. 47, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ कबड्डी टीम. ये कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खिलाड़ी होते हैं 7. आंसर बी. अगला क्वेश्चन नंबर 48, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलीनियम. इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलीनियम के लेखक कौन हैं? लेखक हैं शशि थरूर. 48 के लिए आंसर सी है. अगला प्रश्न, डिकेन हैज हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स. डिकेन में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं? 22 होते हैं. डिकेन एक हाइड्रोकार्बन है. इट हैज 10 कार्बन एंड 22 हाइड्रोजन एटम्स. आंसर जो है ये ए होगा, 49 का ए. अंतिम प्रश्न, पेल येलो कलर जो यूरिन का होता है वो किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? वो होता है येलो फॉर द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम. क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर जो है वो ए है, यूरोक्रोम. क्वेश्चन नंबर 50 आंसर ए है. और इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है. ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.